ये है मेरी बहन बीजू, जिसको मैंने लास्ट एपिसोड में इस गड्ढे के अंदर ट्रैप कर दिया था, जिधर से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। बट आज की इस वीडियो में मेरे से एक गलती हो जाती है, जिसकी वजह से मेरी बहन इस गड्ढे से बाहर आती है और मेरे को पूरे के पूरे 24 आवर्स तक हॉन्ट करती है। तो मैंने 24 आवर्स तक कैसे सर्वाइव किया और आखिर में जाके मेरे को क्या सीक्रेट चीज मिला, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। और मेरे चैनल एनालिटिक्स के अनुसार सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं सबने सब्सक्राइब कर रखा है, बस एक ही बंदा है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे को पता चल गया है कि वो तुम ही हो। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, वैसे भी हम बहुत ही ज्यादा क्लोज है 5 लाख सब्सक्राइबर्स के। तो मैंने अपनी सिस्टर को तो ऑलरेडी ट्रैप कर दिया है उसी के वर्ल्ड में आगे, बिचारी देखो अंदर ही पड़ी हुई है अभी तक। उसे नहीं चाहता था यार मैं सब करना, बट क्या करे, उसने मेरे साथ ना इतना बुरा बर्ताव किया कि मतलब यार अपने बड़े भाई से कौन ऐसे पेश आता है। तो मेरे को ना उसको ट्रैप करना ही पड़ा। तो अब तो मैंने उसको ट्रैप कर दिया है, तो इसका मतलब मेरे को तंग करने के लिए कोई भी नहीं रहा इस वर्ल्ड में। तो आज ना गाइस मैं आराम से नेदर में जाऊंगा, मस्त से माइनिंग करूंगा, बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस को ढूंढूंगा और फिर अपने आर्मर और टूल्स को नेदरराइट के बनाऊंगा। मस्त प्लान है। तो चलो यार बहुत टाइम पास कर लिया, अभी फटाफट से नेदर। वेट, ये क्या बोल रही है भैया, निकालो यार प्लीज, बोल रही है यार बिचारी, ये भाई बोर लग रहा होगा इसको शायद नीचे पे। मैं आगे से नहीं करूंगी पक्का, बोल रही है ये। अरे यार मेरे को ना इस पे दया आ रहा है। ओ देखो माफ कर दो प्लीज बोल रही है यार, मेरे को सच्ची में इस पे ना दया आ रहा है, बट ये सही नहीं निकल सकता यार मैं इसको, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। सैड इमोजी कर रहे, चलो छोड़ो यार इसके चैट मत देखो वरना मैं पिघल जाऊंगा। अभी फटाफट से ना नेदर में चलते हैं। चलो तो ना गाइस मैंने लास्ट एपिसोड में बहुत सारे ऑब्सिडियन को माइन किया था, तुम लोग देख सकते हो अभी मेरे पास 16 ऑब्सिडियन है। तो अभी ना गाइस मैं इन ऑब्सिडियन को यूज करके एक नेदर पोर्टल बनाने वाला हूँ। और ओके मैं ना ये नेदर पोर्टल बिल्कुल इसके घर के सामने पे बनाने वाला हूँ, ताकि इसके घर के लुक्स थोड़ा सा बेकार हो, जितना हो सके उतना गंदा बनाना है यार मेरे को इसके घर को, ताकि इसका घमंड थोड़ा सा कम हो। भाई बहुत घमंडी बन गई है ये। वैसे तो मैंने पहले भी इधर पे एक माइन को फोड़ के थोड़ा सा इसके लुक्स को खराब कर दिया था, और अभी ना मैं बिल्कुल इसके घर के मुंह के सामने ही एक पोर्टल बनाने वाला हूँ, इधर पे ही बनाऊंगा। और ये पोर्टल बनके रेडी हो गया है, लेट्स गो। और ये देखो यार ट्रैप, इसने मेरे को इसी के अंदर कैद किया था, इसीलिए सब हो रहा है, वरना हम मिलजुल के खेल रहे थे यार। चलो छोड़ो अब क्या ही कर सकते यार, मैं तो अभी नेदर में जाऊंगा और फटाफट से ना एंशिएंट डेब्रिस को ढूंढने का काम शुरू करता हूँ। तो चलो गाइस हम नेदर में आ गए, और यार देखो कितने गंदे बायोम पे स्पॉन कर दिया, पूरा का पूरा सोल सैंड दिख रहा है मेरे को। और वेट भाई, बिल्कुल मुंह के सामने नेदर फोर्ट्रेस है, मतलब भाई अच्छा था यार, इतना भी बुरा नहीं था स्पॉन। बट छोड़ो यार इसका मेरे को क्या ही करना है, मेरे को थोड़ी ना ड्रैगन को मारना है, मैं तो इधर नेदरराइट के लिए आया हूँ। तो ना फटाफट से अभी माइनिंग शुरू करता हूँ, बहुत टाइम हो चुका है यार, मैंने बहुत माइन कर लिया बट अब तक एक भी डेब्रिस नहीं मिला। एक तो मिल जाए यार, इतना माइनिंग तो मैंने कभी नहीं किया। ओह माय गॉड, ये रहा डेब्रिस, लेट्स गो। और ये देखो इसका भी जस्ट मैसेज आ गया, भाई यार कहाँ चले गए हो, भूख लग रही है बोल रही है। भाई इसका मैसेज आते डेब्रिस मिल गया तो मेरे लिए लक्की निकली यार। और सच बोलूं तो ना मेरे को इस पे दया आ रहा है यार, सच्ची में इसको शायद भूख लग रहा होगा, बहुत टाइम हो गया और शायद ना मेरे को इसको माफ कर देना चाहिए। ओके यार अभी ना मैं वापिस चलता हूँ, इसको निकालते यार उधर से। वाह बोल रही है, शायद इसको भी अचीवमेंट दिखा मेरा डेब्रिस वाला। चलो इसको बोलते रुको आ रहा हूँ, बोलता हूँ और अभी फटाफट से ना वापिस ओवरऑल में चलते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस तो मैं ओवरऑल में आ गया हूँ, और अभी ना मेरे को सबसे पहले अपने सारे इंपोर्टेंट सामान को ना एंडरजेस के अंदर रखना है, ताकि वो सामान हमेशा के लिए उधर पे सेफ रहे। और ये किधर से आया भाई, मर जा, तेरा इधर पे कोई काम नहीं है। ओके तो अंदर पे ना गाइस मेरे को एक एंडरजेस दिखा था, तो ये रहा एंडरजेस। इधर पे ना अब मैं अपने सारे डेब्रिस और बाकी का भी एक्स्ट्रा सामान को इधर पे रख देता हूँ। चलो ये सोल सैंड को भी डाल देता हूँ, और हाँ हो गया शायद, बाकी सामान मेरे को ही चाहिए। तो चलो यार अभी फटाफट से अपनी बहन के जगह पे चलता हूँ यार, बहुत देर हो गया, वो तो भूख से मरने ही वाली होगी अब तक तो। ओके तो मैं ट्रैप वाले जगह पे पहुंचने ही वाला हूँ, और ये क्या बोला इसने, प्लीज निकाल लो भैया सरप्राइज दूंगी सच्ची गिफ्ट। देखो देखो कैसे फेंक रही है भाई, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके सारे सामान ना वो माइन जब फूटा था तभी सारे सामान डिस्ट्रॉय हो गए इसके। और बाकी इसके घर तो मैंने सारे देख लिया है, उधर पे भी कोई सामान नहीं है इसका, तो भाई इसके पास क्या ही होगा गिफ्ट देने के लिए। देखो मेरे को कैसे झूठ बोल रही है। बट चलो यार मेरे को अभी गिफ्ट विफ्ट कुछ भी नहीं चाहिए, इसने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया इस गड्ढे में, तो शायद इसका सजा इसने भुगत लिया है। वो देखो बिचारी अभी तक उधर पे उछल रही है। चलो एक काम कर लेता हूँ, इसको ना मैं अपने कुछ ब्लॉक्स दूंगा, ताकि ये ब्लॉक्स को बिल्ड करके ऊपर आ जाए। यस यस आओ ना बोल रहे, मैं नीचे नहीं आने वाला भाई, तू ऊपर आ जा, मैंने ब्लॉक्स ड्रॉप कर दिया है। अबे मुंह क्या देख रही है, बिल्ड करके आना ऊपर, कितने नूब है। नहीं मिला क्या इसको ब्लॉक्स, मैंने नीचे ही तो फेंका था। चलो इसको वाटर बकेट फेंक देता हूँ, ये ले वाटर बकेट। और इसको पता भी नहीं होगा यार वाटर बकेट से कैसे ऊपर आते हैं, चलो देखते भाई। रात हो गया यार, ओ ये आ गए ऊपर, भाई इसको आता था वाटर बकेट करना। चलो भाई मैं तो बहुत नूब समझता था, चलो अच्छी बात है यार, थोड़ा सा तो अपने भैया पे गई है ये। ओह आ गई बीजू, तो बोल कैसा लग रहा है इतने दिनों तक गड्ढे के अंदर ट्रैप होने पे, अब तो सबक सीख गई ना कि अपने बड़े से कैसे पेश आते।
ओ थैंक यू भैया बोल रहे, अबे सीख गए यार सबक। सही बात है भाई, सच में अब से नहीं करूंगी बोल रहे। अरे भाई ये तो सच्ची में भाई बहुत ही हम्बल बन गए अभी। इसको इसको कहते हैं संस्कार गाय, जैसे बनाओ अपने बहन को। थैंक यू बोल रहे ये, चलो तेरे को माफ कर दिया यार, जा तू जी ले अपनी जिंदगी। वैसे ना मेरा नेदर रैक किधर गया यार, मैंने इसको ना पूरा एक स्टैक नेदर रैक अंदर गिरा। आ भाई, ओ शीट भाई, एक हार्ट कर दिया इसने, मेरे को ही गिरा दिया मेरे ट्रैप में। भाई मैंने इसका विश्वास करके कितना बड़ा भूल किया। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मेरे को पता नहीं यार, वो मेरा पहले वाला नेदरैक मिल गया, तो फटाफट से ना इसको लगा कि मैं ऊपर बिल्ड करता हूं। इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं भाई, भाग जाएगी यार, मेरे को जल्दी करना पड़ेगा, मेरे को इसको भागना नहीं दे। अब तो मैं इसको सीधा ही मारूंगा भाई, कोई ट्रैप वैप नहीं करूंगा। पता नहीं यार किधर पहुंच गई होगी, और ये ऊपर से ज़ॉम्बीज कहां से आ रहे भाई तेरी इसी की। हटना, मेरे को लग रहा है ना गाइस कि अपने घर की तरफ ही जा रही होगी। ओ रही भाई देखो, किसी स्पाइडर से फाइट कर रहे है यार, क्रीपर फुट्टी वाला, फोड़ दे उसको। बच गई यार छी, चलो इसको ना मैं ही मारूंगा, चलो इसका पीछा करते फटाफट से, घर पहुंचने ही वाली है। बट मैं नीचे कैसे जाऊंगा यार, मैंने अपने वाटर पॉकेट तो उसी को दे दिया है। शीट, ओ इधर भी वाटर है, चलो इसी वाटर से नीचे चलते धीरे धीरे करके, लेट्स गो। तो चलो मैं नीचे पहुंचने ही वाला हूँ। ओ माय गॉड, थैंकफुली। ओ क्रीपर, भागो भागो, बच गया बच गया बच गया बच गया। अब तक तो घर भी पहुंच गई होगी यार, बहुत देर कर दिया मैंने। ओ उधर ही वो, चलो चलो चलो, अभी भी टाइम है मेरे पास। देखो कैसे भाग रही है, जल्दी करो जल्दी जल्दी, इसको तो मेरे को ना कैसे भी करके पकड़ना है, से बदला लेना है यार मेरे को। मैंने इसका विश्वास किया और इसने मेरे को उल्टा अपना ही ट्रैप में फंसा दिया। शायद है ना इसी घर के अंदर ही छुपी हुई होगी, तो ना मैं घर के अंदर ही चेक करता हूँ पहले। तो अगर घर के अंदर है तो ये पक्का गई भाई, आज ये मेरे हाथों से ही मरेगी। कहाँ तक भागेगी बहना? ओ माय गॉड शिट, इसके पास नेदरराइट का आर्मर कहाँ से आए? आ भाई मार रही है मेरे को भाई, इसके पास पूरे के पूरे नेदरराइट है, वो भी इंचेंटेड हीले तेरी इसी की तेजी। शीट भाई, मैंने इसके घर को पूरा छान मारा था, कहाँ से आया इसके पास इंचेंटेड नेदरराइट? भाई मार रही है अभी भी, शायद ना इसने एनर्जी के अंदर रखा होगा। भाई मैं मरने वाला हूँ, भागो भागो। ओ शीट, एक हार्ट भाई, भागो 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 भाई, इसके लेटर नहीं नहीं, मेरे को नहीं उसको मार। भाई साहब मैं मरने वाला हूँ, जल्दी इधर से निकलो निकलो भाई साहब। मैंने सोचा नहीं था यार इसके पास इतना अच्छे आर्मर टूल्स होंगे, पीछा करना बंद कर दिया क्या? नहीं भाई आ रही है अभी भी, एक ही हार्ट है, आधा हार्ट हो गया वो भी। प्लीज यार चली जाओ वापिस, मैं नहीं करूंगा अब तेरे को कुछ भी। कहाँ तक पीछा करेगी? ओ बंद कर दिया उसने पीछा करना, चलो। ओ माय गॉड भाई बच गया, जल्दी जल्दी खा लेता हूँ भाई, थोड़ा सा हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। चलो लेट्स गो, थोड़ा सा बढ़ गया भाई। ये इतना खतरनाक कब से बन गई? वो देखो ऊपर बैठ के मेरे को अपनी स्वॉर्ड दिखा रही है। भाई मेरे को ना पता नहीं यार मैं क्या करूँ, इसको बदला वापिस मत दिख जाना। आ ऑलमोस्ट मर गया मैं भाई, देखो कितना धमकी दे रही है मेरे को यार। शिट, बट गाइस तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूँ कि मैं ना डर के भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं ना उसे जरूर बदला लूंगा और उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना गाइस कि वो दोबारा से कभी भी इस एसएमपी में पैर तक नहीं रखेगी। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत देर तक बहुत सारे मॉब्स को मारे, और उसके बाद जब मैंने फिर से उसके लोकेशन पे देखा तो उधर पे वो नहीं थी, इसका मतलब शायद वो सोने के लिए चली गई थी। तो फिर मैं फटाफट से उसके घर के तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि ना मेरे को अभी नेदर में जाना था, क्योंकि मेरे को भी नेदरराइट करना था अपने पूरे आर्मर टूल्स को। तो मैं उसके घर तक पहुंच गया और फिर नेदर पोर्टल से होते हुए नेदर में चला गया। ओके गाइस, तो अभी मैं नेदर में आ गया हूँ, और अभी ना आ भाई इनको क्या तकलीफ है यार, हमेशा मारते रहते तेरी ऐसी तेजी, रुक जा ये ले। ओके गाइस, तो अभी ना मेरे को बहुत सारा माइनिंग करना होगा, और अब ना मेरे को नेदरराइट को, वेट ये क्या है भाई, ये सीढ़िया ऊपर बेड रख तक जाते, मतलब कि बीजू ने ही लगाया होगा, मतलब कि मेरी बहन नेदर रूफ तक पहुंच चुकी है। भाई मैं सच्ची में उसको नूब समझता था, ये तो यार बहुत खतरनाक निकल रही है। चलो एक काम कर लेता हूँ, मैं भी ना नेदर रूफ में चल के देखता हूँ यार उसने क्या क्या बनाया है नेदर रूफ में। बट ऊपर जाने के लिए मेरे को एंडरपल चाहिए यार, इधर पे मेरे को एंडरमैन। ओ ये रहा एंडरमैन, लेट्स गो, दो दो है इधर पे, मर। ओ एक गया, नहीं दिया, तू दे यार प्लीज, तू तो दे, इसने भी नहीं दिया। छी भाई दोनों को मार दिया, दोनों ही नहीं दिया। ओ इधर पे और दो है, चलो इसको मारते फटाफट से, ये ले। ओ इसने दिया, लेट्स गो। ओ इससे भी मिल गया, दोनों को मारा, दोनों से ही मिल गया। तो चलो अभी फटाफट से ऊपर नेदर रूफ में चलते हैं, बस दो एंडरपल से हो जाए यार। कभी कभी ना एंडरपल इधर पे वेस्ट होते हैं और हम जा ही नहीं पाते। मेरे को एकदम अच्छे से ना इधर पे मारना होगा एंडरपल, लेट्स गो। एक ही बार में आ गया ऊपर, और बस ये नेदर पोर्टल ही है क्या, और कुछ नहीं दिख रहा। वेट ये क्या है? ओह गोल्ड फार्म लिखा है साइन बोर्ड में, और इधर के डायरेक्शन को पॉइंट किया है, इसका मतलब ना शायद मेरी बहन ने ना इधर पे गोल्ड फार्म बनाया है। तो चलो यार फिर फटाफट से गोल्ड फार्म में चलता हूँ, और उधर से ना मेरे को बहुत सारे एक्सपी मिलेगा, और उन एक्सपी को यूज करके ना शायद मैं अपने आर्मर को इंचेंट भी कर सकूं। ओह मेरे को दूर में थोड़ा थोड़ा कुछ तो दिख रहा है, लेट्स गो, शायद यही है गोल्ड फार्म। अच्छा तो ये स्कैफोल्डिंग है ऊपर जाने के लिए शायद, और वो क्या है भाई लिफ्ट में स्ट्रक्चर, शायद इसका घर होगा। बट ना मैं पहले अपना इंचेंट को कम्प्लीट करूंगा, उसके बाद ही उधर पे जाऊंगा।
अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मतलब सीधा नहीं दिखता। ओ देखो कभी कभी दिख रहा है यार, पता नहीं ये शायद ना इसका सीक्रेट हाउस है जो कि इसने इधर पे बनाया है। और इधर से तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है यार ये घर। मेरे को ना जल्दी जल्दी अपने इंसान को कम्प्लीट करके ना मैं उधर पे जाऊंगा यार, और मैं गोल्ड फार्म पे पहुंचने ही वाला हूँ। लेट्स गो, पहुंच गया। और ये देखो इधर पे इसने एक इंटरमेंट सेटअप भी बनाया है। ये मैग्मा किधर से आया? हट भाई, मेरे भी ने इतना बड़ा गोल्ड फार्म कैसे बनाया यार चेस्ट में? ओ माय गॉड, इतने सारे इंटेंडेड बुक्स हुई प्रोटेक्शन 4 प्रोटेक्शन 3 के। तो फिर उसके बाद मैंने उस एक्सपी फार्म से काफी ज्यादा एक्सपी को कलेक्ट कर लिया पिगलिंस को मार के। मतलब कि इस गेम का सबसे अच्छा एक्सपी फार्म है, तो मेरे को काफी जल्दी जल्दी बहुत सारा एक्सपी मिल रहा था। तो फिर उन एक्सपी को यूज करके मैंने अपने सारे आर्मर टूल्स को इंचेंट कर लिया। तुम लोग देख सकते हो काफी अच्छे वाले इंचेंट्स मिल गए थे मेरे को अपने सारे सामान पे। वैसे तो मैं नेदर पे अपने सारे टूल्स को नेदराइट बनाने के लिए आया था, बट उससे भी ज्यादा अच्छा चीज कर लिया मैंने। मतलब कि मैंने अपने सारे आर्मर को प्रोटेक्शन 4 कर लिया है, और मेरे टूल्स में भी काफी अच्छे वाले इंचेंट्स मिल गए मेरे को। तो अब ना शायद मैं अपनी बहन से लड़ने के लिए रेडी हो चुका हूँ भाई। उसके पास भले ही नेदराइट है, बट भाई मेरे पास भी प्रोटेक्शन 4 वाले आर्मर है और शार्पनेस 4 है मेरे स्वॉर्ड में, तो शायद मैं उसको हरा पाऊंगा। बट उससे फाइट करने से पहले ना मेरे को इधर पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है बार बार, तो चलो यार पहले ना इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं भाई। मेरे को जानना है यार ये क्या है, और ये मेरे को लग तो रहा है कि उसका ही घर है। बट वेट भाई साहब, इस घर में इतने सारे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, पूरा अबैंडन्ड घर लग रहा है यार। ना जाने कितने टाइम से मेरी बहन इधर पे आई नहीं होगी। और घर को देखो यार, इतना बड़ा घर, ये घर नहीं कैसल लग रहा है भाई। वो तो नूब थी, इतना बड़ा कैसल कैसे बना सकती है वो? भाई मेरे को लेजिट लग रहा है कि ये उसका नहीं है, किसी और ने बनाया है। बट भाई सर्वर में उसके यार मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अबे छोड़ो यार, शायद उसने वही ट्यूटोरियल वगैरह देख के बनाया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी बना सकता है, बस टाइम ज्यादा लगता है। बट मैं सच्ची बता रहा हूँ यार, मैंने भी आज तक इतना बढ़िया सा बिल्ड नहीं किया है अपनी पूरी लाइफ में भाई। इतना टाइम से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, बट भाई देखो यार इस घर का डिजाइन देखो तुम लोग। ओ भाई सच्ची में अच्छा है यार ये घर। तुम लोगों को ये घर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो शायद ना गाइस इस वीडियो के लिए बहुत कुछ हो चुका है, वीडियो बहुत लंबा बन गया है, तो मेरे को लग रहा है कि शायद इस वीडियो को आज के लिए इधर ही एंड करना पड़ेगा। तो अगले एपिसोड में ना गाइस मैं इस कैसल के अंदर जाने वाला हूँ और इस कैसल के सारे हिडन ट्रेजर को लूटने वाला हूँ, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हो तो इधर पे क्लिक करो, और ये बाकी के 2 वीडियोस भी काफी ज्यादा मजेदार है, इनको भी तुम लोग देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली ऐसी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।